इस वक्त हम अशरफ के उस ससुराल के सामने खड़े हैं और ये जो घर है ये अशरफ का घर है। इस घर के सामने में हम दिखाने हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट जरा सा आप जरा सा हम जानना चाहेंगे बात अगर रखेंगे तो हम सुनाएंगे। मैं क्योंकि अतीक अहमद को जब से गैंगस्टर बनाया गया मैं वहाँ से शुरू करूँगा। बात सन 2004 और 2005 की जब से स्टार्ट हो रही है ना मैं वहाँ से शुरू करूँगा। ये राजू पाल भी एक बहुत बड़ा अपराधी था क्योंकि उसने फरहान जो एक मुल्जिम है राजू पाल में मुल्जिम है तो फरहान ने राजू पाल को क्यों मारा पता है आपको? क्योंकि राजू पाल ने फरहान के बाप को मारा था, अनिस पहलवान को मारा था, उनके मुंह के अंदर पिस्टल डाल के मारा, इतनी दुर्दांत तरीके से वो उनका कत्ल किया था, मुंह के अंदर डाल करके पिस्टल मारा था। हत्या की तो तो राजू पाल ने जिसकी हत्या की थी उसका औलाद भी जाहिर सी बात बदला लेगा, वैसे ही जैसे बृजेश सिंह ने बदला लिया अपने बाप के हत्यारे को, 6-6 लोगों को मार डाला था एक दिन में, मारा है 6-6 लोगों, वैसे ही फरहान ने अपने बाप का बदला लिया राजू पाल को मार करके। तो यहाँ से चली आ रही, जब राजू पाल मारा उसके बाद उमेश पाल जो है जा करके सजदा कहाँ किए, अतीक अहमद के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिए 2000, क्योंकि बनी बजार थी अतीक अहमद की, वो सांसद थे उस वक्त, जाके उमेश पाल ने वहाँ पे अतीक अहमद के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। 2006 या 2007 में जब सरकार पलटी, जब सरकार पलटी तो उनका दिन बुरा होना ही है, उनका जब अतीक अहमद का बुरा दिन चालू हुआ तो ये पूजा पाल के साथ जा करके क्या कहते हैं कि पूजा पाल हमारी बहन है, हमको अतीक अहमद ने किडनैप किया था जबरदस्ती अपना जाकर के रिश्ता पूजा पाल से ठीक करने के लिए, झूठी कहानी गढ़ी कि हमको अतीक अहमद ने किडनैप कर लिया था इसलिए हम गवाही आपके नहीं दे पाए अतीक अहमद के खिलाफ। अब पूजा पाल से हमदर्दी उनको मिलना स्टार्ट हुई। जब तक बसपा की सरकार थी तो उमेश पाल ने मलाई पूजा पाल के साथ खाई। 2012 में सरकार जब सपा की बनती है तो अतीक अहमद का दिन फिर अच्छा हो जाता है। जब अच्छा होता है तो यही उमेश पाल और अतीक अहमद तमाम मैं दिखा दूंगा जमीन जो आज भी पड़ी हुई है बिजनापुरी हो गई है तमाम जगह पे उमेश पाल के साथ में उनका काम चलता था अतीक अहमद का। जब काम चल रहा था तो उसके बाद 2017 तक ये उमेश पाल अतीक अहमद के साथ काम कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। 2017 में जब भाजपा की सरकार आ गई, अतीक अहमद जेल चले गए। जब जेल जाने के बाद अब उमेश पाल को लगा कि अब इनकी ज़िंदगी जेल में ही कटेगी तो ये बगावत पे उतारू बगे, ये पाल बिरादरी का ये नेता बनना चाह रहे थे। यहाँ तक कि इन्होंने पूजा पाल से ही बगावत चालू कर दी क्योंकि पाल बिरादरी पूजा पाल को मान नहीं थी नेता। अब पूजा पाल को ये पीछे इसलिए किए क्योंकि उमेश पाल जब अतीक से लड़ेंगे ना तो पाल बिरादरी खुश होगा, नहीं उमेश पाल जो हैं ये अतीक से लड़ रहे हैं तो ये पाल बिरादरी के ये मसीहा हो गए, लीडर हो गए। तो इस वजह से अतीक अहमद से फिर इनमें बिगाड़ हुआ। ये एक गैंगवार थी, एक गैंग के तहत उमेश पाल मारा गया, नहीं तो 10 साल पहले 2005 से पहले उनके बारे में पता करिएगा, वो एक ड्राइवर थे नगर निगम में, वो गाड़ी चलाते थे सेफ्टी टैंक साफ करने के लिए। आज इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से आया? अतीक अहमद 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं। जो उनको लोग बोला जा रहा है कि इस तरीके से वो इनकी दौलत कहाँ से आई है तो दौलत आई होगी मानते हैं, मगर वो विधायक भी रहे 5 बार। उमेश पाल किस पोजीशन पे था? एक ड्राइवर था, नगर निगम का ड्राइवर था। ये जो मकान है ये मकान बताया जाता है कि अशरफ यहीं रहते थे। हाँ, अशरफ यहाँ रहते, ससुराल आपकी जहाँ होगी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे मेहमान के तौर पे। हाँ, तो उसी तरीके से आते थे मेहमान के तौर पे, आए हो गए ये था। और हर कोई आता है यहाँ पे। उनके साले वगैरह क्या काम करते हैं यहाँ पे? साले वगैरह कोई मुर्गी फार्म खोला हुआ है, कोई अपना खेती बाड़ी कर रहा है, और कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो कोई मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान चल रही है। अब बताइए कोई अगर साले के मतलब है तो मिठाई की दुकान आज भी मौजूद है, हम आपको दिखा सकते हैं सल्लापुर में, उनकी मिठाई की दुकान आज बाबा पिघड़ा के नाम से मशहूर है। और सऊदी में कोई बताइए अपना गाँव देश छोड़ के सऊदी में जाएगा बाहर अपने बाप को अपने बीवी को अपने बच्चों को? जाहिर सी बात है यहाँ पे उनका कमाने का जरिया नहीं बन पाया तब वो सऊदी गए, मजबूरी में इंसान जाता अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, शौक में नहीं जाता। उन्होंने ही ये मकान बनाया सऊदी जाने के, सऊदी से कमा करके वो मकान बनाई। अब बेचारे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सऊदी जा कर कमा रहे हैं और तब भी उनको जोड़ा जा रहा है अतीक अहमद अशरफ के साथ में, क्या रिश्ता होना क्या जुर्म है? एक साले के बारे में तो बताया जा रहा है कि वो टीचर हैं। हाँ, टीचर हैं, जायद मास्टर को पढ़ाते हैं। उनका जिस दिन मकान गिरा था 2016 या 2017 में समथिंग 18 या जब भी गिरा हो 3-4 साल, उससे पहले एक भी मुकदमा आप दिखा दे, कोई दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ, एक मुकदमा नहीं, किस आधार पर यह मकान गिराया गया? और जो जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है शिवली और ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग सब इनके रिलेटिव हैं? हाँ, चचेरे में से आते हैं, चचेरे सग में से नहीं आते, चचेरे में से। ये आज
15 या 20 साल से इनकी गांव में प्रधानी है, बहुत सराफत के साथ जो बेचारे SC ST के समुदाय लोग हैं उनसे जा करके पूछिए किस तरीके से उनको इतनी कॉलोनी दिलवाए, इतनी ज़मीन दिलवाए, सबको बना करके वो संपन्न सुखी परिवार से रह रहे हैं बेचारे, यही जो हैं चमारों पासी जात के लोग हैं और फकीर बिरादरी, जाकर उनसे पूछिए कि यहाँ से बिरी लोग का माहौल कैसा था। सब हमेशा लॉकडाउन में उन्होंने इतनी मदद की गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं है जितनी मदद इन्होंने की। निश्चित रूप से आप लोग, गांव के लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो भी ये कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के पीछे की कोई तो वजह होगी, क्योंकि जिस परिवार के बारे में बताया जा रहा है वो पढ़ा लिखा परिवार है, कोई शिक्षक है, कोई व्यापार करता है, और इन सब के बीच आखिर एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। यही वजह है कि ये अशरफ के ससुराल के लोग जिस हटवा गाँव में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोग इस बात पर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जुल्म में भी हम पे हो रहा है और जालिम भी हम ही बनाए जा रहे हैं, और इतनी बड़ी घटना हो गई पुलिस प्रशासन की तो आंख के सामने, और पकड़ किस तरह उनकी हाथ की एक्टिंग आप खुद देखे होंगे, पकड़ लें छोड़ लें पकड़ लें छोड़ लें, एक गोली नहीं चल सकी इनकी कि कम से कम भाई सीने पर न मारते तो पैर पे मार सकते थे गोली। ये निश्चित रूप से पुलिसिया कार्रवाई से लोग नाराज हैं और उनकी नाराजगी जो है कैमरे के सामने परेशान किया जा रहा है, दिन भर मीडिया में साहिस्ता और जैना भी चलाई जा रही है। और बहुत से लोग हैं बृजेश सिंह से हमने बहुत 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 शिकायत है कि उन्होंने बहुत जुल्म किया है, यहाँ तक कि एक एक दिन में 6-6 मर्डर किए, आपको पता होगा 6 एक मारा था जेल गया था, उसके बाद जेल से बाहर निकला था त्रिभुवन के साथ में निकला था, तो त्रिभुवन ने कहा कि मुझे भी कई लोगों को मारना है, तो त्रिभुवन का भी बदला लेने गया तब भी 6-7 लोग को मारा था, 12 हो गए कत्ल। उसके बाद मुक्ताराम सरे से लड़ा, हर जगह वो लड़ता, बॉम्बे गया तो इब्राहिम कासकर का बदला लेने के लिए बॉम्बे गया, AK-47 लेके चला, उस पर आज तक भाजपा उसको अपनी पार्टी में रखी हुई है। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, हथवा गांव, प्रयागराज।